दोस्तों सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है टेलीकॉम सेक्टर में। दोस्तों हाहाकार मचने वाला है। जो मंथली प्लान, अभी अगर आप डेटा वगैरह सब कुछ देख के कॉलिंग वगैरह का जो आपका मंथली प्लान आता है, मंथली आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो ऑलमोस्ट 300 रुपए समथिंग होती है, वो दोस्तों 3 गुना यहां पे बढ़ सकती है 1 अप्रैल से। दोस्तों यहां पे 900 रुपए समथिंग आपको पे करने पड़ सकते हैं 1 महीने का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्या है इसके पीछे तथ्य, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील। फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नोनील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नोनील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फ्रेंड्स अगर आप जियो यूज करते हैं, एयरटेल यूज करते हैं, वोडाफोन आइडिया यूज करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, सभी के यूजर्स का यहां पे प्लान बढ़ने वाले हैं। फ्लोर प्राइस दोस्तों 1 मार्च से आने वाला है। टेलीकॉम कंपनीज ने क्लियर कर दिया है कि हम 1 मार्च से दोस्तों लाएंगे, लेकिन अभी तक ट्राई ने यहां पे परमिशन नहीं दी। लेकिन दोस्तों यहां पे नीति आयोग, एक बड़ा स्टेटमेंट दोस्तों निकल के आया है। नीति आयोग दोस्तों जो इंडिया की दोस्तों अलग-अलग नीतियों को बनाता है, तो नीति आयोग के दोस्तों यहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव जो है अमिताभ कांत जी, पहले दोस्तों नीति आयोग का फ्लोर प्राइसिंग के बारे में कुछ इस तरह के विचार नहीं थे। वो चाहते थे कि ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन अब एक बड़ा दोस्तों स्टेटमेंट निकल के आया और यहां पे दोस्तों ने एक लेटर सेंड किया यहां पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई को दोस्तों एक लेटर दिया है। उस लेटर में बहुत सारी चीजें यहां पे लिखी है, ये भी क्लियर किया कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिनिमम फ्लोर प्राइस नहीं हो सकता टेलीकॉम में। लेकिन दोस्तों फिलहाल ये जो है वक्त की मांग है, उन्होंने दोस्तों लिखा नीड ऑफ द आवर, यस दोस्तों वक्त की डिमांड है। फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर पे 1.5 लाख करोड़ का एजीआर का कर्ज है। खास करके दोस्तों दो कंपनियां ऐसी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, इन कंपनियों की हालत खराब है, इनके सर्वाइवल पे प्रश्न मार्क लगा हुआ। खास करके वोडाफोन आइडिया जिसका दोस्तों सब कुछ टिका हुआ, इन सारी चीजों से अगर यहां पे फ्लोर पाया जाता तो इन लोगों का एआरपी बढ़ेगा, कुछ कमाई यहां पे होगी, तो डेफिनेटली ये लोग सर्वाइव कर सकेंगे। इसलिए दोस्तों नीति आयोग के दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव अमिताभ कांत ने दोस्तों क्लियर कर दिया यहां पे कि डेफिनेटली यहां पे फ्लोर प्राइस अब आने वाला है। तो दोस्तों ट्राई को लेटर भेज दिया, ट्राई हो सकता है बहुत जल्द यहां पे फ्लोर प्राइस का दोस्तों अनाउंसमेंट कर दे, क्योंकि दोस्तों ट्राई के चेयरमैन शर्मा जी ने दोस्तों पहले ही बता दिया था यहां पे कि हम यहां पे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जिस दिन से दोस्तों यहां पे एयरटेल के चेयरमैन दोस्तों जिस दिन मिले थे इनसे, उस दिन मित्तल जी ने तो यहां पे क्लियर कर दिया था ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा जी ने कि हम आने वाले टाइम के अंदर बात कर रहे हैं फ्लोर प्राइस के बारे में, सोच रहे हैं, कंसल्टेशन पेपर ऑलरेडी डाल रखा है जहां पे सारी की सारी टेलीकॉम कंपनीज एग्री कर चुकी है ऑलरेडी। जियो बोल रहा है कि 35 रुपए मत करिए, आप धीरे धीरे करके बढ़ाइए, 20, 25, 35 इस तरह से बढ़ाइए, लेकिन जियो को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर दोस्तों एक बड़ा अपडेट मैंने आपको पहले बताया था कि बीएसएनएल सामने से जाकर ट्राई को बताया था कि आप लाइए फ्लोर प्राइस लाइए, लेकिन 15% से ज्यादा स्टेक वाली जो कंपनी है उन पर फ्लोर प्राइस लगना चाहिए, 15% से नीचे नहीं, क्योंकि हम 10.25% पे खेलते हैं तो हमारी जैसी कंपनी की तो अस्तित्व पे सवाल लग जाएगा। अगर फ्लोर प्राइस आ जाता है तो हम में दूसरी कंपनी में फर्क क्या रहेगा, तो हम यहां पे नहीं आना चाहते फ्लोर प्राइस में। अब ये तो देखने वाली चीज है कि ट्राई क्या क्या कानून लगाएगा, लेकिन दोस्तों यहां पे नीति आयोग की तरफ से क्लियर हो चुका है कि फ्लोर प्राइस तो समय की मांग है, सारी की सारी कंपनी मान चुकी है फ्लोर प्राइस आएगा और आपको दोस्तों यहां पे रेट जो बढ़ते हुए दिखेंगे। अब आपका जो 300 रुपए समथिंग आपका मंथली अभी फिलहाल आ रहा है, 600 रुपए समथिंग के लिए आपको 56 दिन का प्लान मिलता है जहां पे 1 GB डेटा, कॉलिंग, मैसेज सब कुछ आपको मिलता है। अब वो 900 रुपए कैसे हो रहा, मैं आपको एक कैलकुलेशन के हिसाब से बताता हूं। तीन चीजें दोस्तों यहां पे वोडाफोन आइडिया ने क्लियर करी थी कि ये चीज अगर आ जाती है फ्लोर प्राइस के अंदर तो हो जाता, हालांकि इसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। उन्होंने दोस्तों क्लियर किया था कि डेटा की कॉस्ट 7 गुना यहां पे हो जानी चाहिए, जो 5-6 रुपए का डेटा है ना वो 35 रुपए करने की बात चल रही है। यस 35 रुपए दोस्तों डेटा की कॉल बात करनी जा रही, लेकिन अगर उसको 25 रुपए के हिसाब से भी अगर कैलकुलेशन आप करते हैं तो आपका जो डेटा है दोस्तों रोज का 1 GB अगर आप यूज करते हैं डेटा 25 रुपए के हिसाब से, तो 750 रुपए दोस्तों आपको यहां पे महीने का देना पड़ेगा 1 GB के हिसाब से। 25 रुपए बता रहा हूं मैं, 35 रुपए नहीं बोल रहा, वोडाफोन आइडिया के हिसाब से एक एवरेज कैलकुलेशन करते हैं, तो रोज का अगर 1 GB डेटा भी अगर आप यूज करेंगे तो 25 रुपए रोजाना आपको देने पड़ेंगे और पूरे महीने का 30 दिन का 750 रुपए। उसके अलावा भी दोस्तों यहां पे कुछ चीजें यहां पे होने वाली, उसके अलावा दोस्तों 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे जो मंथली रेंटल बोला जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों कॉलिंग की अगर बात कर लीजिए, कॉलिंग दोस्तों बोला जा रहा है कि अनलिमिटेड नहीं होगा, यहां पे 6 पैसा पर मिनट दिया जाएगा, 6 पैसा पर मिनट तो 10 मिनट का हो गया, 60 पैसा 100 मिनट का आपके हो गया 600 पैसा यानी 6 रुपए। तो रोज का सिर्फ आप अगर यहां पे 100 मिनट भी कैलकुलेशन करते हैं, 100 मिनट दैट मींस दोस्तों अगर बात कर लीजिए तो 1.25 घंटा समथिंग आपको मिलता है रोज, इतना ही कॉल करते हैं मिनिमम बता रहा हूं आपको मैं, इससे ज्यादा कॉल करेंगे ज्यादा होगा। रोज 100 मिनट भी अगर कॉल करेंगे तो रोज का 6 रुपए यानी पूरे अगर महीने का कैलकुलेशन करें तो 180 रुपए, 180 प्लस 50 रुपए आपके मंथली रेंटल यानी दोस्तों 230 रुपए समथिंग, मेरा मैथमेटिकल थोड़ा कमजोर है। तो टोटल अगर कैलकुलेशन करते हैं रोजाना 1 GB डेटा, रोजाना का 100 मिनट कॉलिंग करते हैं, उसके साथ साथ 50 रुपए रेंटल, तो आपकी कैलकुलेशन जो मंथली निकल के आती 980 रुपए, 980 प्लस GST वगैरह गिन लेंगे तो आपको 1000 रुपए दोस्तों यहां पे देने पड़ेंगे मंथली। ये कैलकुलेशन अगर होती है तो दोस्तों डेफिनेटली ये बहुत 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 महंगा आ जाएगा, या तो आपको डेटा यूज करना बंद करना पड़ेगा, रोजाना 1 GB की बात नहीं चलेगी, नहीं तो आपका रेट यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा,
या तो दोस्तों आपको कॉलिंग कम करनी पड़ेगी, मतलब कॉस्ट कटिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज ये मिनिमम बता रहा हूं फ्रेंड्स, 1 GB डेटा आज आप कहीं भी नहीं, आप 1.5 GB रोजाना यूज करते हैं उस हिसाब से तो ये 1500 रुपए जाता है। तो दोस्तों ये सब कुछ होने वाला है 1 अप्रैल। दोस्तों यहाँ पे कंपनियों की तो डिमांड है कि 1 अप्रैल से फ्लोर प्राइस आना चाहिए। ट्राई के हाथ में दोस्तों, बाजी कितने दिन में दोस्तों आता है, लेकिन ये बात तो फिक्स है जब दोस्तों नीति आयोग ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, यहाँ तक कि सारी की सारी टेलीकॉम कंपनीज ने, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ने, जियो ने, सबने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि फ्लोर प्राइस लाइए, फ्लोर प्राइस लाइए। ट्राई भी एडमिट कर चुका है फ्लोर प्राइस आना है, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें होगी उस पर बात चल रही है, ट्राई कब तक लाएगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर 1 अप्रैल से यहाँ पे फ्लोर प्राइस आ जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों आपके जो प्लान है वो 300 से 1000 रुपए तक, यानी 900 रुपए से 950 रुपए तक यहाँ पे महंगे हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी सबसे बड़ी न्यूज, जहां पर नीति आयोग ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया और उन्हें ये चीज भली। एक सबसे बड़ा कमेंट वहां से आया है कि ये समय की मांग है फ्लोर प्राइस, और अगर ये आता है तो डेफिनेटली आपके जो मंथली बिल है वो 3 गुना से ज्यादा यहां पे बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। सो प्लीज मुझे बताइए दोस्तों कि फ्लोर प्राइस क्या अभी इंडस्ट्री की जरूरत है, क्या फ्लोर प्राइस आना चाहिए? अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे आप? डेटा कम यूज करना चालू कर देंगे, कॉलिंग कम करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि सारी की सारी कंपनी यहां पे डिमांड कर रही है फ्लोर प्राइस की, इंक्लूडिंग खाली अगर BSNL को छोड़ दे, BSNL नहीं मानता इसको भी, लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है टाइम में। लेकिन ये सबसे बड़ी अपडेट है जहां पे फ्लोर प्राइस दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है, उसके आने से आपके मंथली बिल यहां पे 3 गुना तक बढ़ने के बड़े चांसेस यहां पे लग रहे हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक थम्स अप तो दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसे सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए। उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही दिखेगा एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना। उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।